नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, दिल्ली और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के पास कुछ दिनों का कोयले का ही स्टॉक बचा है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए, नहीं तो उन्हें बिजली आपूर्ति ठप करनी पड़ सकती है। हालांकि बिजली मंत्रालय के मुताबिक आपूर्ति सामान्य करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए दो अंतर मंत्रालय समूह भी गठित किए हैं। बिजली मंत्रालय ने कुछ ही दिनों में स्थिति सामान्य होने का भरोसा दिया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर कोयला आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो राजधानी को दो दिन के अंदर ही ब्लैकआउट की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली को बिजली आपूर्ति के संयंत्रों के पास एक महीने का स्टॉक रहता था, जो घटकर एक दिन रह गया है। सारे संयंत्र पहले ही 55% क्षमता से चल रहे हैं। दिल्ली में 1300 मेगावाट गैस आधारित बिजली संयंत्र बवाना में है। दिल्ली के पास कोई बिजली संयंत्र नहीं है और वो केंद्र पर ही निर्भर है। वहीं राजस्थान सरकार पहले ही कह चुकी है कि बिजली उत्पादन में कमी के चलते 10 बड़े शहरों में बिजली कटौती की जाएगी। कुछ इलाकों में 10 से 14 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने आंध्र के थर्मल पावर प्लांट के लिए 20 रैक कोयला आवंटित करने की मांग की है। इसके अलावा रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार और झारखंड भी कोयला आपूर्ति में रुकावट आने से प्रभावित है। इन राज्यों में भी बिजली उत्पादन और आपूर्ति पर असर पड़ा है। वहीं पंजाब के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से कई इलाकों में बिजली कटौती करनी पड़ी है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के मुताबिक रोपड़, लहरा जैसे संयंत्रों के पास 5 दिन का ही कोल बचा है। तमिलनाडु के बिजली संयंत्रों में भी 4 से 5 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। आपको बता दें, बिजली मंत्रालय के मुताबिक अगले 3 दिनों में बिजली संयंत्रों को 16 लाख टन कोयला आपूर्ति का लक्ष्य है। गौरतलब है कि देश के 135 कोयला आधारित बिजली संयंत्र जरूरत का 70% बिजली आपूर्ति करते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 दिन से भी कम का कोयला स्टॉक बचा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।